9 second part. In matrix A should come to 2 minus 1 1. Prove that A minus 2 I inside one bracket, inside second bracket A minus 3 I is equal to 0. Null matrix. ठीक है? तो चलिए A minus 2 I निकालें. A minus 2 I कितना हो जाएगा? 4 2 minus 1 1 minus 2 I. I unitary matrix is 1 0 0 1. तो multiply करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 2 माइनस 1 1 और ये हो गया आपका 2 0 0 2 सबट्रैक्ट करते कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 2 ठीक है ये हो जाएगा आपका 2 2 माइनस 1 माइनस 2 ये हो गया आपका ए माइनस 2 ए माइनस ठीक है अब ए माइनस 3 है निकाल लीजिए ए माइनस थ्री आई कितना हो जाएगा ए माइनस थ्री आई हो गया ए एक वैल्यू कितना है फोर एक वैल्यू आपके है फोर टू माइनस वन वन थ्री आई थ्री आई थ्री वन जीरो जीरो ठीक है ए माइनस थ्री आई कितना हो जाएगा ए माइनस थ्री आई फोर माइनस थ्री टू माइनस जीरो माइनस वन माइनस जीरो वन माइनस थ्री ठीक है ये वैल्यू कितने हो गए ये वैल्यू हो जाएगी आपके वन टू माइनस वन माइनस अब इन दोनों मल्टीप्लाई करना है चलिए मल्टीप्लाई करिए तो ए माइनस टू आई इंटू ए माइनस थ्री आई ये फाइंड करना है इसके वैल्यू क्या देखा था कि ये नॉन मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है तो चलिए ए माइनस टू आई वैल्यू रखिए ए माइनस टू आई आपने एक प्रूफ किया ए माइनस टू आई ये प्रूफ किया यहाँ देखिए आप टू टू माइनस वन माइनस वन ए माइनस थ्री आई ये वैल्यू आपने प्रूफ किया वन टू माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना हो जाएगा टू इंटू वन और प्लस टू इंटू माइनस वन कॉमा टू इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस टू ठीक है ये हो जाएगा वन इंटू माइनस वन और फिर प्लस माइनस वन कॉमा टू इंटू माइनस वन ठीक है और फिर प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए चलो यहाँ पर एक टू माइनस टू फोर माइनस फोर माइनस वन माइनस टू प्लस टू ये वैल्यू कितना हो गया ये वैल्यू हो गया जीरो 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 ये क्या हो गया नॉन मैट्रिक्स हो गया क्या हो गया नॉन मैट्रिक्स है ये हमको दिखाना था इस तरह से ए माइनस टू आई इंटू ए माइनस थ्री आई ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया नॉन मैट्रिक्स ओ ये प्रूफ हो गया ये प्रूफ करना चाहता हूँ मैं ठीक है।